करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये हाईकोर्ट का भी विक्रांत कमेंट ये है कि ये राजनैतिक मामला है, तो इस राजनैतिक मामले में हस्तक्षेप कैसे किया जा सकता है उपराज्यपाल की तरफ से भी? इस मामले में क्योंकि हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है और जो लॉ है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अगर कोई सीएम गिरफ्तार हो जाता है तो उसे पद से इस्तीफा देना होगा। ये नैतिक का मामला है। अगर वो नैतिक रूप से इसे गलत मानते हैं तो कई मौकों पर हमने देखा है कि मुख्यमंत्री, कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिनको जब गिरफ्तार किया गया तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल चूंकि इस्तीफा नहीं दिया है उन्होंने और वो कह रहे हैं जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो जेल में रहते हुए सीएम ना रह पाए, इसी कारण कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि अगर कोई संवैधानिक संकट या कोई वैसी स्थिति आती है तो एलजी इस मामले में देखेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्होंने आज एलजी का बयान अखबारों में पढ़ा था कि हम जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे, तो जो भी फैसला लेना है या जो भी काम कदम उठाना है वो एलजी को उठाना है, वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। उस मामले में हमारा कोई हस्तक्षेप का कारण नजर नहीं आता और इसी कारण कोर्ट ने ये याचिका खारिज की, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के हस्तक्षेप का कारण कोर्ट को समझ में नहीं आया। और बड़ा एंगल तो विक्रांत ये भी है कि संविधान में इस बात का जिक्र ही नहीं है कि अगर वो, आपने सही कहा कि जितने भी इस्तीफे हुए हैं मंत्री पद पे रहते, मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए भ्रष्टाचार के एंगल में या किसी भी एंगल में, सब नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दिया गया है। लेकिन विक्रांत, क्या ये हम मान के चले कि दिल्ली में आने वाला जो कुछ घंटा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब गेंद एलजी के पाले में और वहां से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार तो उनको है एक राज्य को लेकर जो केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए बिल्कुल इस मामले में मुझे साफ जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम पहले से मान देख रहे हैं कि इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में साइलेंट है। इसमें अगर कोई कदम उठाना है तो वो कार्यपालिका के थ्रू ही उठेगा और वो राज्यपाल, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, राज्यपाल कस्टोडियन है, राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और उसके आधार पर राष्ट्रपति कार्रवाई कर सकते हैं, ये बिल्कुल कानून में प्रावधान है। लेकिन कोर्ट इस मामले में दखल दे और कोर्ट हस्तक्षेप कर किसी सीएम को हटाने का निर्देश दे, ऐसा कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में या कानून में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आने वाले वक्त में तो अब कोई भी कोर्ट का रुख नहीं करेगा, जब हाई कोर्ट ने ये संकेत दे दिए तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाने के लिए कोई सूरत ही नहीं बनता है। तो मतलब अभी हम थोड़ा इंतजार करें कि इसका पूरा सियासी एंगल क्या होने जा रहा है और 2024 लोकसभा चुनाव के बीच में ये सब कुछ उठापटक हो रहा है। विक्रांत, देखिए बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इस मामले में अदालत, कोई भी अदालत हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि अगर कोई संवैधानिक संकट आता है तो उसमें एक्शन लेने का काम एलजी का और राष्ट्रपति का है। इस मामले में कोर्ट न्यायिक हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात कही गई है, ना कानून में ऐसी कोई बात की गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में भी ये साफ कर अगर कोई भी कानून के इस मामले में बनता है कोई कदम उठाना तो वो एलजी और राष्ट्रपति का है, इसमें न्यायिक समीक्षा का कोई कारण नहीं है और कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई देता कि कोर्ट इस तरीके का कोई डायरेक्शन जारी करे। लेकिन दिल्ली को लेकर जरा हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे विक्रांत कि आम आदमी पार्टी का रुख तो पहले से इसी तरीके से रहा है कि इसको भ्रष्टाचार का एंगल माना नहीं जा रहा, इसको कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक विद्वेष है इसीलिए गिरफ्तारी हुई है, आम पब्लिक के लिहाज से आप क्या कहेंगे? देखिए इस मामले में चूंकि आम पब्लिक अगर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता इसे गलत बताएंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसे सही बताएंगे, लेकिन बात होती है संविधान की, बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। हकी ये जो तथ्य सामने है वो कोर्ट के आदेश से भी साफ है कि इस मामले में न्यायिक आदेश के जरिए किसी सीएम को हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता, लेकिन एलजी के पास और राष्ट्रपति के पास निश्चित तौर पर देश के संविधान में वो ताकत है। अगर वो एलजी या राष्ट्रपति ये देखते हैं कि दिल्ली की सरकार पर संवैधानिक संकट है और वो संवैधानिक परंपरा के मुताबिक नहीं चल रही तो एलजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और राष्ट्रपति उसके मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। एक इसका संकेत कल देखने को मिला जब एक कार्यक्रम के दौरान एलजी से पूछा गया था कि कहा जा रहा है कि जेल से ही सरकार चलेगी, तो उन्होंने कहा जेल से सरकार नहीं चलेगी। संकेत दे दिया है एलजी ने। मैं एक बार आपका फिर से रुक करूंगी, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बड़ी खबर पे लगातार हम बने हुए हैं।